हेलो एवरीवन इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक फैमिलीज इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉजिक फैमिलीज ठीक है तो आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है आई विल डिस्कस अबाउट दैट ठीक है तो फर्स्ट आपकी मैंने जो ली है दैट इज स्पीड ऑफ ऑपरेशन और प्रोपोगेशन डिले प्रोपोगेशन डिले मीन्स की स्पीड जो आपकी होती है दैट इज इनवर्सनली प्रोपोजनल टू ठीक है अगर हमारा किसी भी जगह पे जाने में टाइम कम लगता है सपोज हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं अगर हमारा टाइम कम लग रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में मीन्स की आवर स्पीड इज फास्ट अगर हम सेम डिस्टेंस को ज्यादा टाइम में कवर करते हैं मींस की अवर स्पीड इज स्लो तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा कि हमारा कोई गेट है हमने इनपुट दिया और उसके आउटपुट मिलने में क्या टाइम लगा दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन डिले ठीक है तो यहाँ पे मैंने इसकी डिफिनेशन लिखी है इट इज द एवरेज ट्रांजिशन डिले टाइम फॉर द सिग्नल टू प्रोपोगेट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट जो मैंने कहा था हमने इनपुट दिया और हमें कितनी देर में आउटपुट मिला तो जो भी बाइनरी में चेंज होगा इनपुट सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली जो अगर हमने इनपुट सिग्नल में चेंज किया तो आउटपुट में जो चेंज होगा दैट इज कॉल प्रोपेगेशन डिले ठीक है तो डेफिनेशन इज गिवन हियर और यहां पे दिस वेवफॉर्म इज शोइंग फॉर इनपुट सिग्नल ये आपकी आउटपुट है यहां पर हमारा क्या हो रहा है ट्रांजिशन इनपुट हमारा 0 था 0 से 1 गया यहां हमारा 1 था 1 से 0 गया जब हमारा इनपुट 0 से 1 गया तो आउटपुट को आउटपुट अकॉर्डिंग टू इनपुट चेंज कब होना शुरू हुआ इस टाइम पे ये हमारा जीरो से वन गया और यहाँ हमारा वन से जीरो गया ठीक है तो इस इनपुट के अकॉर्डिंगली आउटपुट पे कब चेंजेस आने शुरू हुए अकॉर्डिंगली कब वो वर्क करना शुरू होगा डैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन डिले उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं जो इनपुट का जीरो से वन ट्रांजिशन हुआ उसका फिफ्टी टाइम और हाई से लो मीन्स कि वन से जीरो जब हम आए उसका जो फिफ्टी परसेंट ड्यूरेशन है ठीक है और सेम आउटपुट में जो चेंज हुआ वन से जीरो और जीरो से वन हम इनके फिफ्टी परसेंट को मार्क करेंगे ठीक है जब इनपुट में जीरो से वन गए उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट में जो चेंज हुआ उसके 50 परसेंट के टाइम को लेंगे दैट इज कॉल्ड टी पी एच एल प्रोपोगेशन डिले फ्रॉम हाई टू लो मीन्स से वन से जीरो जाने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टी पी एच एल ठीक एंड दिस साइड 50 परसेंट ऑफ टी पी एल एच मीन्स की प्रोपोगेशन डिले लो टू हाई जीरो से हाई जाने में हमें जो टाइम लगा उसका फिफ्टी परसेंट उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वहाँ ये दोनों टाइम ड्यूरेशन से हमें मिल गए बाई एवरेजिंग दिस वी गेट द प्रोपोगेशन डिले ऑफ द सर्किट तो मैंने लिखा प्रोपोगेशन डिले इज इक्वल टू तो टी पी एच एल प्लस टी पी एल एच डिवाइडेड बाई टू ठीक है अगर हमारा प्रोपोगेशन डिले कम होगा स्पीड हमारी फास्ट होगी मींस के डिजायरेबल क्या होता है कि प्रोपगेशन डिले शुड बी लेस और इसको हम जो मेजर करते हैं वो हमारी किस में होती है नैनो सेकेंड में वन नैनो सेकेंड्स इज इक्वल टू टेन रेस टू पावर माइनस नाइन सेकेंड्स ठीक है जो प्रोपेगेशन डिले मेजर होगी गेट्स के इनपुट से आउटपुट में वो हम मेजर करेंगे इन नैनो सेकेंड्स नाउ पावर पावर डेपेशन मीन्स की इनपुट से आउटपुट में जो भी हमने ट्रांसमिशन किया तो जो पावर डेसिपेट हुई या यूज हुई वो आपका क्या होगा पावर डेसिपेशन दिस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ पावर नीडेड बाय द गेट ठीक है मीन्स की ये पावर रिक्वायर्ड थी ट्रांजिशन के लिए तो दैट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय आईसीसी एवरेज इनटू वीसीसी एवरेज अगेन लिया गया है वाई एवरेज टू टू और 1 0. दोनों केसेस को लेके हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है यहाँ पे लिखा भी है आईसीसी इज द कलेक्टेड टू कलेक्टर करेंट ये कैसे ली है जब आईसीसी एच वेन लेबल इज वन एल वेन बाइनरी बिट इज जीरो दोनों में जो करंट आई जो दो करंट फ्लो हुई उसको हमने डिवाइड किया टू से तो हमें इसका एवरेज मिल गई एवरेज आईसीसी को हम प्रोडक्ट करेंगे विथ वीसीसी, वीसीसी इज द सप्लाई वोल्टेज फॉर द आईसी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ पावर डेसिपेशन और ये जो आपकी पावर डेसिपेशन होती है ये आपकी कैलकुलेट होगी और मेजर्ड होगी इन मिली नेक्स्ट फिगर ऑफ मैरिट फिगर ऑफ मैरिट बेसिकली कैलकुलेटेड बाय द प्रोपोगेशन डिले और पावर जो हमने पावर लिया और प्रोपोगेशन कैन कैलकुलेट द फिगर ऑफ मैरिट फिगर ऑफ मैरिट बेसिकली इज द एबिलिटी ऑफ टॉलरेटिंग द नॉइज फिगर ऑफ मैरिट कोई भी सर्किट कितनी नॉइज को टॉलरेट कर सकता है दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मैरिट ठीक है और इसकी भी हमारी लो वैल्यू डिजायरेबल है स्पीड अगर फास्ट होगी मींस की प्रोपोगेशन डिले रिड्यूस होगा प्रोपोगेशन डिले रिड्यूस होगा तो हमारी फिगर ऑफ मेरिट रिड्यूस हो जाएगी दिस इज द आल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ठीक नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द नॉइज मार्जिन नॉइज मार्जिन और यू कैन से नॉइज इम्यूनिटी नॉइज मार्जिन इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू नॉइज इम्यूनिटी ठीक है तो आपका नॉइज मार्जिन पूछता है या नॉइज इम्यूनिटी पूछता है तो बोथ आर सेम थिंग तो बेसिकली नॉइज मार्जिन होती है मैक्सिमम नॉइज की वैल्यू विच कैन बी टॉलरेटेड बाय द सर्किट मैक्सिमम नॉइज वैल्यू विच कैन बी टॉलरेटेड बाय द सर्किट नाउ व्हाट इज द नॉइज जो हमारी ठीक है तो अनडिजायर्ड बोर्डिथ सिग्नल्स विच इज जनरेटेड बाय द कनेक्टिंग वायर्स एंड अदर सोर्सेज दैट आर कॉल्ड नॉइज ठीक है और नॉइज मार्जिन इज द मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी एडेड टू एन इनपुट सिग्नल ऑफ अ डिजिटल सर्किट दैट डज नॉट कॉज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन आउटपुट मीन्स की अगर हमने किसी भी नॉइज का एक पोर्शन हुआ कि हम जिसको टॉलरेट कर सकते हैं उससे उसकी आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मीन्स की मैक्सिमम नॉइज दैट कैन बी टॉलरेटेड बाई द सर्किट इज कॉल्ड नॉइज मार्जिन ठीक है तो यहाँ पे सर्किट से थ्रू दिखाया गया है दिस इज फॉर आउटपुट वोल्टेज रेंज और ये हमारे इनपुट वोल्टेज रेंज ठीक है, है? सपोज ये कोई वोल्टेज है सपोज मैंने दे दिया जीरो टू फाइव वोल्टे ठीक जीरो टू वन मैंने डिफाइन कर दिया कि दिस इज द फॉर लॉजिक जीरो और ये हमारा हो गया सपोज कि थ्री टू फाइव हमने दे दिया फॉर लॉजिक हाईव ठीक दिस इज फॉर लॉजिक जीरो दिस इज फॉर लॉजिक वेन एंड दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड ठीक इनपुट पे हमने क्या लिया इनपुट पे हमारा इनपुट हाई है मीन्स की वी आई एल ये आपकी मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज विथ नॉइज है कि इससे ज्यादा की हम टॉलरेट नहीं कर सकते ठीक है सेम हमारा जब वीसीसी है तो यहाँ पे हमारी वीआईएच की रेंज मीन्स कि अगर हमें वन देना है आउटपुट पे तो मैक्सिमम इतनी वोल्टेज दे सकते हैं कि हमारी रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकती है ठीक मीन्स कि वी आई एच शुड बी लो देन वी ओ एच बिकॉज उसके साथ नॉइज ऐड है तो मे बी नॉइज ऐड होगी तो हमारी रेंज इनक्रीज हो जाएगी तो इस रेंज तक को हम लेंगे और सेम यहां पर है जब हम लो लेवल में करेंगे तो वन बोल्ट से हम कुछ पोर्शन ज्यादा लेंगे फॉर की इनपुट वोल्टेज ठीक फॉर लो स्टेट वी आई एल शुड बी ग्रेटर देन वी आई एच शुड बी लेस देन वी ओ एच ठीक है तो ये जो पोर्शन हुआ दिस इज द नॉइज इन दिस केस दिस इज द नॉइज जो कि हमारा एड होगा और उसकी वजह से हमारी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इसने इस रेंज से एक्सीड किया तो वहां पे एरर के जाए ये जो आपका ग्राफ शो हो रहा है दिस इज फॉर आउटपुट वोल्टेज इन जीरो के लिए वन के लिए ये जीरो के लिए इनपुट ये वन के लिए इनपुट ठीक. मीन्स की वी कैन से हमने पता चल गया कि टू कम्पनसेट एनी नॉइज हमारा वी आई एल दिस वी आई एल शुड बी ग्रेटर देन वी ओ एल ठीक है कि हमने इतना ठीक है और यहाँ पर वी आई एच शुड बी लेस देन ओ एच क्योंकि हमें लॉजिक वन चाहिए ठीक ये हमारी कंडीशंस होती है मार्जिन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनी फॉर्मूला बाय एन एम एच और एन एम एल जो भी डिफरेंस अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं और जो भी डिफरेंस हाईएस्ट होगा तो दैट विल बी द नॉइज मार्जिन ऑफ पर्टिकुलर आईसी ठीक है यू कैन यूज एनी फॉर्मूला वी ओ एच माइनस वी आई एच और वी आई एल माइनस वी ओ एल नाउ फैन आउट ऑफ अ लॉजिक फैमिली फैन आउट बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई भी गेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में उसकी आउटपुट में कोई भी फर्क ना पड़े कोई भी डिग्रेडेशन ना हो इतने नंबर ऑफ गेट्स उस पर कनेक्ट कर सकते हैं मीन्स की द फैन आउट ऑफ अ गेट इज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ लोड्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ दैट गेट विदाउट डिग्रेडिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ इनपुट गेट ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सपोज ये आपका जो गेट है इसकी जो भी आउटपुट है वो कुछ एन नंबर ऑफ गेट्स को अगर ड्राइव करेगी विदाउट एनी डिग्रेडेशन ऑफ दियर ऑपरेशन तो वो नंबर ऑफ गेट्स जो होंगे एन नंबर ऑफ गेट वो उसका क्या होगा फैन आउट ठीक है मीन्स की फैन आउट कैन बी कैल्कुलेटेड बाई द करेंट अवेलेबल अमाउंट ऑफ करंट अवेलेबल एट द आउटपुट ऑफ दिस गेट ठीक है जो आपका सोर्स होगा एंड द करेंट अमाउंट नीडेड नीडेड इन ईच मीन्स की इसके लिए इसके लिए जितने भी गेट्स होंगे उनकी आउटपुट के लिए ठीक तो सपोज कि हमारा आईओ एच जो है वो फोर हंड्रेड माइक्रो एम्पियर है ठीक और इनके लिए जो गेट्स है ये इनपुट गेट दे रखी है इनको जो मिनिमम करंट रिक्वायर्ड है फॉर कंडक्टिंग टी माइक्रो एम्पियर तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस सर्किट वॉट इज द फैन आउट तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी माइक्रो एम्पियर ये भी है माइक्रो एम्पियर ये भी है मीन्स की टेन टेन गेट्स कैन बी कनेक्टेड ठीक है मीन्स की अगर हमें प्रॉपर ऑपरेशन कराना है इसके कैरेक्टरिस्टिक में कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो हम मैक्सिमम टेन गेट्स ही कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमने इलेवन गेट्स कनेक्ट किए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में इफेक्ट पड़ेगा ठीक ये कब था आई ओ एच मीन्स की वन लॉजिक इज हाई मीन्स की वन के केस में ये मैंने लिया है लॉजिक लो के केस में सेम है बस लो के केस में करंट के डायरेक्शन आपकी चेंज होगी फॉर्मूला विल बी सेम और कैलकुलेशन विल बी सेम तो यू नाउ लास्ट इज फैन इन फैन फैन इन किसी भी गेट का क्या होगा नंबर ऑफ इनपुट्स द नंबर ऑफ इनपुट्स विच इज कनेक्टेड टू अ गेट दैट इज कॉल्ड फैन इन ऑफ दैट पर्टिकुलर गेट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नैंड गेट लिया है यहाँ पे मैंने थ्री इनपुट्स कनेक्ट किए तो फॉर दिस गेट फैन इन इज इक्वल टू थ्री अगर सपोज मैं एक और एंड गेट लेती हूँ इसमें मैंने टू थ्री फोर फाइव कनेक्ट कर दिए तो फॉर दिस सर्किट फैन एन इज इक्वल टू फाइव ठीक है अब बस डिपेंड ये होगा कि जब हम नंबर ऑफ गेट्स को इंक्रीज करेंगे तो साइज हमारा बल्कि होगा और स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी थैंक यू